आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय बर्कहॉसन क्राइटेरिया। तो बर्कहॉसन क्राइटेरिया क्या होता है ये देखते हैं। तो दो कंडीशन है, पहली तो नेसेसरी कंडीशन है कि जो फेज है, फेज शिफ्ट शुड बी 0 और 360 डिग्री। मतलब जो फेज शिफ्ट है इनपुट और फीडबैक सिग्नल का, वो 0 या फिर 360 डिग्री होना चाहिए। ओके, जो इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट के बाद जो सिग्नल फीडबैक सर्किट से होकर निकल के इनपुट में ऐड हो रहा है, तो फाइनल फेज शिफ्ट सिग्नल का, फीडबैक सिग्नल का और इनपुट का 0 या 360 डिग्री होना चाहिए। दूसरा है सस्टेंड ऑसिलेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो होती है a into beta equals to 1। यहां पे a क्या है, a है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। ओके, और बीटा है अपना फीडबैक फैक्टर, ओके। तो ये क्राइटेरिया है दो जो कि सस्टेन ऑसिलेशन के लिए है। तो a बीटा इक्वल्स टू वन करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।